भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आप न्यूज 18 इंडिया पर भगवान रामलला की विराजमान प्रतिमा को देख रहे हैं। नई प्रतिमा आप देख सकते हैं कि किस तरह से चमक रही है, दमक रही है। पूरा श्रृंगार भगवान श्री राम का यहाँ पर किया, बाल स्वरूप में किया गया। और अगर आप चेहरे को देखेंगे तो इसमें बाल स्वरूप भी नजर आ रहे हैं, इसमें देव स्वरूप भी नजर आ रहा है। और यही इस प्रतिमा की खासियत है, जो बताया गया था कि भगवान बाल विग्रह रूप में विराजमान होंगे और विराजमान यहाँ पर हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संत प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा। और आप देखिए कैसे कैसे एक ललक, एक झलक पाने के लिए कैसे काफ़ी हंगामा हो रहा है, मारामारी हो रही है। ये एक रामलला मंदिर की जो मुख्य कैंपस है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि लगातार कोशिश है कि हर कोई एक झलक पाना चाहता है रामलला की, क्योंकि सालों के, सदियों के संघर्षों के बाद ये स्थिति आई है कि भगवान राम को उनका जन्मभूमि यानी कि उनकी जन्म स्थान पर अधिकार मिला है। 75 से ज़्यादा पीढ़ियों ने संघर्ष किया, लंबा इंतजार किया और अब इस लंबे इंतजार के बाद ये पल आया जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि बेसब्री का इंतजार किस तरह से है कि हर कोई अपने कैमरे में उसको उनको कैद कर लेना चाहता है। उनकी जो मनमोहक छवि है, बिल्कुल अद्भुत छवि है, विस्मयकारी छवि है, उसको एक बार अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। और आप देखिए किस तरह से सजाया गया है पूरे मंदिर प्रांगण को, काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। स्वर्ण ज्वलित ये गेट हैं, ये आप देख सकते हैं 14 गेट जो जिनके बारे में न्यूज 18 इंडिया आपको पहले भी बता चुका है। और एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई है भगवान रामलला की बिल्कुल नज़दीक से कि किस तरह से न्यूज 18 इंडिया मंदिर प्रांगण में है और संख्या काफ़ी है। हर कोई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर कोई एक झलक पाने के लिए आतुर है। सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। जो वीडियो कैमरा है, कैमरामैन है और बाकी के जो श्रद्धालु हैं उनको लाइन में लगाने के लिए, लेकिन पब्लिक यानी कि जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस तरह से रैला का रैला, आप गेट की तरफ में दिखाओ किस तरह से रैला का रैला आ रहा है। और यहाँ से देखिए प्रभु श्री राम लला का, मैं पूरा कैंपस आपको दिखा दूँ जो प्रांगण है। प्रभु श्री राम लला बाल विग्रह रूप में विराजे हैं और सदियों के बाद एक बार फिर से अपने गर्भगृह में यानी कि जो जन्म स्थान है वहाँ पर उनको विराजमान किया गया। यानी कि जो एक इसी शायद यही कारण है कि सदियों के बाद ये मौका आया है तो देश में दीपावली मन रही है। पूरा देश ही नहीं, विदेशों में जो करोड़ों करोड़ों राम भक्त हैं वो दीपावली आज मना रहे हैं, क्योंकि एक गौरवशाली पल है ये देश को आगे ले जाने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये नेति नहीं नीति भी है, भगवान राम जो है वो देश की एकता को, एकता के सूत्र में परोने वाले राम है और देश की पहचान ही राम है, राम से ही भारत और हिंदुस्तान है। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि राम मिल गए लेकिन राम राज्य आप सबको मिलकर लाना होगा और उसके लिए क्या जरूरी है सबको पता है, किस तरह का आचरण करना है, किस तरह की मर्यादा लानी है। और ये जो आप चेहरा देख सकते हैं भगवान रामलला का, ये सारी कहानी खुद ब खुद बयां करता है कि रामलला आ गए, अब राम राज्य लाने के लिए इस देश के नागरिकों को किस तरह का जतन करना है, किस तरह का प्रयास करना है। एक झलक आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामलला यहाँ पर विराजमान है, यानी कि जो सदियों की जो दास्ता है, सदियों की जो संघर्ष है वो आज रंग लाया और रंग न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरह का रंग यहाँ पर है, किस तरह की चमक श्रद्धालुओं के चेहरे पर है।